गंगा मैया हरिद्वार में आपने सोना चांदी निकालने की डंडा शीशा बाल्टी तकनीकें बहुत देखी होंगी, लेकिन आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एक चुंबक की सहायता से गंगा माई के गहरे जल से किस तरह से सोना चांदी हीरा जवाहरात और पैसे निकाले जाते हैं। तो उसमें कितने पैसे निकल जाते हैं भाई रोज के? चार पाँच सौ रोज के। बढ़िया, नौकरी से तो बढ़िया भाई। क्या बच गया भाई? कुछ मोटा माल फंसा भाई, मुझे लग रहा है उसमें चुंबक के साथ साथ कुछ पैसे भी निकले होंगे, सोना चांदी भी होगा पोटली में। ये गंगा मैया ने मेहरबान कर दिया आज तो लग रहा है। ये देखो भाई, पहले तो चुंबक निकाल ली और ये निकालेंगे माल में। खोलिए भैया, क्या ये? अरे सिक्का निकल गया भैया। वह चो बहुत सैफ, वह बहुत माल निकल गया भाई इसमें तो। देख लो भाई, सोना चांदी भी निकल जाएगा। अच्छा खाली सिक्के? चलो कुछ तो आया। 5 रुपए कहाँ बोलिया, कोई महंगी सी चीज निकालो, उसमें निकालो कम से कम 100-150 का सिक्का। अच्छा गंगा मैया में ये बताओ, मछलियाँ होती है? मगरमच्छ भी है इसमें। मगरमच्छ है? कभी तुम्हारे सामने पाला पड़ा तुम्हारा? सामने खड़ा है एक तो। कहाँ पे है? अच्छा सरस्वती माता जी के। अरे वाह, तो भाई देखो सरस्वती माता जी के नीचे मगरमच्छ है। क्या निकल गया? 1, 2, 4, 5, 6 रुपए। तो भाई गंगा मैया में सब कुछ मिलता है, बहुत भाइयों का पेट ही भर जाता है और गंगा मैया की सफाई भी हो जाती है साथ ही साथ। जैसे कपड़ा कुपड़ा बहता हुआ आता है तो चुंबक की सहायता से वो भी चिपक के आ जाता है भाई। क्या नाम हुआ भाई अपना? राजेंद्र भाई। तो राजेंद्र भाई कब से कर रहे हो काम? भाई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए यही काम करते हुए? तो नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी है ही नहीं तो करेंगे कहां से? नौकरी है नहीं, ये तो बात तुम सही कह रहे हो यार, हम भी भटक ही रहे भाई तुम्हारे साथ साथ। अच्छा ये बताओ कि सबसे महंगा सामान अभी कितने का मिला होगा तुम्हें यहाँ पे? भाई पता नहीं कितने बैग देते हैं यार। अच्छा तो ये देखो भाई, भाई तो अपना बिजी है, फिर भी कितने का मिल लिया होगा? कितने का मिल? 1-1 लाख रुपए का माल मिल गया इसमें। 1-1 लाख रुपए का? उस टाइम पर अकल नहीं थी ना इतनी, सारा बैग देते थे। अच्छा सारा बैग देते थे, नहीं तो इकट्ठा करके रखते? अब नहीं मिलता। आए तो भाई ये कला बहुत अनोखी कला लगी, आपने सिक्के से, गोता से और बहुत सारी तकनीक से पैसे निकालने की तकनीक देखी होंगे गंगा मैया से, लेकिन भाई ने तो अलग ही अर्थ लेवल कर दिया है। बिल्कुल जैसे गंगा मैया बीचे बह रही है, उनके बीच में गोताखोर भी नहीं जाते हैं और मतलब शीशा वीशा भी नहीं जाता, तो वहाँ अपनी चुंबक काम आती है। और भाई ये जो गंगा मैया में यात्री जन आते हैं, गंदगी करते हैं, इनके बारे में कुछ क्या हो गया यार? क्या है भाई इनके बारे में, पब्लिक ज्यादा हो जाती है तो हो ही जाती है। अच्छा हो ही जाती गंदगी, लेकिन साफ सफाई रखनी चाहिए ना गंगा माई की? होती रहती है साफ सफाई, हमारी पवित्र नदी है। तो यहाँ पे रख रखाव कौन करते हैं? गंगा माई की साफ सफाई कौन करते हैं? सब करते हैं। मतलब तुम ज्यादा करते हो, यात्री ज्यादा करते हैं, कौन करते हैं? यात्री कहाँ करते हैं, यात्री तो गंदगी करके आएंगे भाई। हाँ यात्री तो गंदगी करके आते हैं, बहुत बुरा लगता होगा भाई।